वो सामने कोने में सोए हुए, अभी तक उठे नहीं है, 10 बज रहे हैं। हम लोग तो उठ के काम भी कर चुके हैं। ये हमारे इधर बाहर कोई मेरा ख्याल से डेक चला रहा है, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है गाने सुनने का। ये देखें पानी कितना जमा हुआ है, ये देखें, ये ठेले वाला बिरयानी वाला चला के जा रहा है। ये देखें कितना हसीन नज़ारा है बाहर का। मुझे पता नहीं चला सुबह 6 बजे मजर गए, मैंने चेक भी नहीं करा। हाँ ये देखें पूरा इतना हसीन और इतने बादल हो रहे हैं बारिश के माशाल्लाह से, और अल्लाह रहमत दे इस बारिश के अंदर। कितने हसीन मेरे पौधे हैं ये देखें, और बारिशों से और धुल गए, फ्रेश हो, बारिश से धुल के और फ्रेश हो गए। ये मेरी छोटी सी बगीची घेर ली मेरा छोटा सा बगीचा है। फायज़ा को आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बगैर दुपट्टे के हैं और अच्छा नहीं लगता बगैर दुपट्टे के सामने आना। फायज़ा आगे से हटो, मैं दूसरा पौधा दिखाना है। ये देखें ये मेरे पौधे प्यारे प्यारे, ऐसे दुआ करना कि ये ठीक हो जाए। सर्दियों में तो हम जैसे लोग जो है ना क्या कहते हैं सर्दी से सुकड़ जाते हैं, पौधों की जो है ना क्या कहते हैं सेहत अल्लाह ताला दे मैं तो यही बोलूँगी। मेरे प्यारे प्यारे पौधे हैं ये, बहुत प्यारे। ये मेरा भतीजा मेरे साथ देता है और मेरा भतीजा मेरे लिए पौधे वो दे लेके आता है बाहर से, सैयद मुनीब अली। तो मेरा भतीजा बहुत प्यारा है, मेरे लिए पौधे लाता है, मम्मा ये ले लो मम्मा वो ले लो। और ये मेरे लिए मौसम्बी का पौधा लेके आया हुआ है, एक अपने लिए भी ऊपर रखा हुआ है। ये देखें अभी वॉश नहीं हुआ है, बारिश सही से हुई नहीं है, तो हम भी बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। बारिश होगी तो हम भी जो है ना क्या कहते हैं अपने पौधों को धो लेंगे। फायदा ये पानी क्यों रखा हुआ है? मम्मी कुल्ली करूँगी, दांत में दर्द है, मैंने ब्रश करा था लेकिन दर्द हो रहा है। आप पानी पी लें, इसको तो कुल्लियाँ करनी है और कहीं नहीं जाना, ठीक है। अंदर चलते, आपके सामने मैं तो अभी आऊँगी नहीं, मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, दुपट्टा लूँगी तो फिर मैं आपके सामने आऊँगी इंशाल्लाह। ये मेरा फ्रिज बंद हुआ हुआ है, मजाक नहीं उड़ाना, ये देखे ख़राब हो गया। बिस्तर में उठा चुकी हूँ, मम्मी से आपको नहीं मिल पाऊँगी, अम्मी से मिलवाती हूँ। अम्मी अभी नाश्ता करेंगी, फिर अम्मी का दिमाग ख़राब हो जाता है अम्मी हमारी नाश्ता करके फिर जो है ना चाय सुबह ही पूरी। मैं चले हटो, कशा हट जाओ रोटी VIP करके ही दूंगी आपको रोटी, फायज़ा को चाहिए। और जो है ना बस अब मैं बैठने लगी हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी नाश्ता, ठीक है। और अगर ना कर सकूँ काम के अंदर बिजी हूँ तो माइंड नहीं करना। ये देखें चाय मेरी तैयार होती जा रही है, और जो है ना चाय बस फाइनली उबाल आ जाए फिर उसके बाद में नाश्ता भी मिलेगा, वीडियो भी बनेगी। ये मैं सबके लिए अपनी बातें शेयर करती हूँ, तुम लोग तो करते ही नहीं हो। तो जो है ना क्या कहते हैं बस अभी अम्मी को नाश्ता देना है, बच्चों को देना है, और आज दूध की वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं, दूध अभी अभी मंगवाया है। चाय मेरी गिर रही है, चूल्हा थोड़ा हल्का कर दूँ, चूल्हा थोड़ा हल्का कर देती हूँ जिसकी वजह से थोड़ी चाय पक जाए, कम हो जाए, फिर इनको चाय देती हूँ। मेहरबानी आपके बच्चे।
चाय मेरी कुछ हद तक तैयार हो चुकी है और जो है ना क्या कहते हैं बस अब मैं चाय उतार के रोटियां बनाऊंगी, रोटियां तलूंगी। आज रोटियां मंगा के रखी हुई हैं तो रोटियां तलूंगी, बस बच्चों को नाश्ता दूंगी। अंडों चनों का सालन बना हुआ, अंडे चनों का। तो जिसने नाश्ता करना है आए नाश्ता करें। आज मैं आपके सामने नहीं आऊँगी क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। और मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग और बारिश की मुबारकबाद। जिसको बारिश चाहिए आए हैं, बारिश में नहाएं। बारिश का मौसम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है हमारा। तो बारिश, ये हमारी बहन सो रही हैं, ये देखें, ये हमारी बहन सो रही हैं। आज इनकी छुट्टी है, पीर को इनकी छुट्टी होती है। ये देखें कितना खूबसूरत मौसम बना हुआ है। और बस मैं यहीं ये वीडियो का अख्तिताम करती हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम गाइस। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।